कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए एक बार फिर से राज्य सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। वहीं लॉकडाउन लगने से मजदूर वर्ग को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिससे मजदूर वर्ग और असहायों को खाने की समस्या से जूझना पड़ता है। जिसको देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन में लालू की रसोई की शुरुआत की गई है, जहां पटना सिटी के चौक स्थित आय समाज मंदिर के नज़दीक लालू की रसोई के तहत मजदूरों एवं असहायों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है, जहां भोजन को पैक कर ज़रूरतमंदों के बीच वितरण किया जाएगा। वहीं राजद कार्यकर्ताओं का कहना था कि कोरोना काल में जब भी लॉकडाउन लगा है, तब तब लालू की रसोई के माध्यम से ज़रूरतमंदों को भोजन का प्रबंध किया गया है, क्योंकि लालू जी गरीबों के मसीहा हैं और वो गरीबों के नेता हैं। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ गद्दी पर बैठकर कोरोना काल में भी राजनीति करने में लगे हुए हैं। उनको न ही बिहार की जनता का फिक्र है और न ही मजदूरों का। लॉकडाउन में फंसे मजदूर रिक्शा चालक बिहारी मजदूर थे, उनके बीच में हम लोग जाकर खाना बांटने का काम कर रहे थे। आज ये छठा मतलब लॉकडाउन है। आज से हम लोग की शुरुआत पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय छात्र राजद के द्वारा हम लोग एक गठन के और सब लोग मिलकर जो जिस प्रकार से जो रोज कमाते हैं खाते हैं, ये जो बहरी गुंगे जो सरकार है जो सक्षम नहीं हो पा रही है, जो जनता के जिस जनता के वोट के बदौलत वह गद्दी में बैठे हुए हैं और उसी जनता को आज पूछ नहीं रही है, तो हम लोग अपने शीर्ष नेता तेजस्वी भैया और तेज प्रताप भैया के निर्देशानुसार आज कंगना घाट जहाँ जहाँ जरूरत है उन लोगों के बीच जाकर हम लोग भोजन बांटने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट SDF न्यूज पटना।